रेमा काकते के डायरेक्शन में बनी अक्षय कुमार मौनी रॉय स्टार फिल्म गोल्ड बॉक्स ऑफिस पर 15वां दिन बिता रही है और फिल्म ने अपने 100 करोड़ का आंकड़ा 12वें दिन ही पार कर लिया था। फिल्म गोल्ड का कलेक्शन काफी बेहतर रहा है और अक्षय कुमार की नवीं फिल्म बनी जिसने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकड़ा छुआ। फिल्म अपने 15वें दिन बॉक्स ऑफिस पर 1.37 करोड़ का अर्लियर एस्टिमेट बता रही है। जी हाँ दोस्तों, लगातार 15वें दिन भी करोड़ी क्लब हासिल रखा है अक्षय कुमार की फिल्म गोल्ड ने और कुल मिला के इसकी कमाई हमारे सामने आती है 15 दिन में 107 करोड़ रुपए। अक्षय कुमार की फिल्म गोल्ड वाकई में काफी बेहतरीन है। एक हॉकी टीम पर आधारित ये फिल्म अक्षय के करियर में बेहतरीन साबित हुई है और उनकी अदाकारी इस फिल्म में लाजवाब है। अक्षय कुमार के अलावा अन्य कलाकारों ने भी फिल्म में बेहतरीन एक्टिंग की है, तभी तो लिहाजा फिल्म काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है क्लैश होने के बावजूद। सिनेमाघरों में और भी कई फिल्में लग रखी है लेकिन गोल्ड की जितनी सफलता किसी को नहीं मिल रही, क्योंकि इसमें अक्षय कुमार का फैक्टर होने के साथ ही एक शानदार कहानी भी है। फिल्म हर तरीके से ब्लॉकबस्टर साबित हुई है, चाहे वो कमाई के मामले में ले लीजिए या फिर क्रिटिक्स के मामले में। कई फिल्में होती है दोस्तों जो कि काफी अच्छा कलेक्शन करने के बाद भी फ्लॉप साबित हो जाती है, जैसे कि रेस 3। लेकिन अक्षय कुमार की फिल्में कम कलेक्शन के बावजूद भी सुपरहिट इसलिए होती है क्योंकि क्रिटिक्स द्वारा पब्लिक द्वारा इसे काफी पसंद किया जाता है। आप तस्वीरों में देख ही सकते हैं किस तरीके से दर्शक गोल्ड के लिए सेलिब्रेट करते हुए नजर आए हैं। पूरे सिनेमाघरों में 15 अगस्त को यही सीन था और सभी ने अक्षय कुमार की फिल्म के साथ में सेलिब्रेशन किया था। और ये आज की बात नहीं है, इससे पहले पैडमैन और टॉयलेट प्रेम कथा जैसी फिल्मों के लिए भी कई मुद्दे निकल चुके हैं जहां पर अक्षय कुमार को सैल्यूट और स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया था। अब फिल्म गोल्ड उनमें से ही एक है। तो दोस्तों 15 दिन 107 करोड़ रुपए। आपको ये कलेक्शन की रिपोर्ट अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं ताकि ऐसे बॉलीवुड की अपडेट हम आपको दें सबसे पहले।